जी तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर एग्जैक्टली exactly बहुत ही शानदार चैप्टर क्योंकि एक्चुअली इसी कंटेंट के रिगार्डिंग अब अपकमिंग जो चैप्टर होंगे वो कनेक्ट होते हुए चलेंगे तो कहने का मतलब सर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से कनेक्ट आगे वाला पार्ट आएगा एग्जैक्टली exactly आने वाला बेटा तो इसलिए यहां से पढ़ना चाहूंगा यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी बेटा जिनके बारे में पहले नहीं सुना के लिए आज हम बात करने वाले हैं लेट स्टार्ट विद द पार्ट हम शुरू करने वाले हैं बेटा प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो आज की हमारी चैप्टर का नाम है बेटा प्रोस्पेक्ट नाम तो सुना ही होगा हाँ से सुना बट जो एक्चुअली मीनिंग हमने सुना क्या वही मीनिंग प्रोस्पेक्टस का होता है या मीनिंग कुछ और है बताओ भैया सोचो बताओ तो हम पढ़ने वाले प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और बता देता हूं अपकमिंग जो चैप्टर आने वाले हैं इसके अंदर वो सारे चैप्टर अब इसी से कनेक्ट होके चलते रहेंगे इसी से कनेक्टेड होके चलते रहेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना वक्त गवाए लिखना चालू करते हैं हेडिंग बनाओ लिखो चैप्टर का नाम है बेटा प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो यही सिक्योरिटी से कनेक्टेड जो पार्ट रहेगा वो आपके अपकमिंग चैप्टर में आएगा दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल गाइस तो यहीं से इसे पढ़ना चालू कर रहे हैं हम लोग सुनो 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 भैया एक बात तो कॉमन है कि प्रोस्पेक्टिस किस लिए इश्यू होता है बताना तो हो, जनरली सुनते आए हम लोग है ना जानते भी हैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में क्या होता है टेल मी क्या होता है प्रोस्पेक्टस क्या प्रोस्पेक्टिस का मतलब सिर्फ वही जो हम जानते हैं कि कंपनी इशू करेगी सिक्योरिटी इशू करने के लिए वो तो होता है बट प्रोस्पेक्टिस कहते किसको हैं एक्चुअली दिस चैप्टर चैप्टर जो ये पढ़ने वाले हैं बेटा ये चैप्टर कवर करता है सेक्शन नंबर 23 थ्री टू सेक्शन नंबर 42 इतने सेक्शन इसमें आने वाले हैं जो पढ़ने वाले हो तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने सेक्शन को कवर करने वाले हैं तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं बेटा अपने मीनिंग के साथ तो पहला मीनिंग उठा देते हैं बेटा प्रस्पेक्टिस का लीगल मीनिंग क्या होता है आज के बाद जो मीनिंग पढ़ोगे वही मीनिंग चलेगा बेटा आगे तक वही मीनिंग आगे तक चलने वाला है

क्या डेफिनेशन है सर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सुनना पहले फिर लिखवाऊंगा ठीक है समझ लो क्योंकि क्लास में हमें याद करना, जान ने डिस्क्राइब किया और इश्यू किया एक प्रोस्पेक्टस के रूप में आप कोई document, कोई notice, कोई circular, कोई कुछ भी हो सकता है बट अगर आपने उसे प्रोस्पेक्टस के रूप में इश्यू किया कंपनी कह रही है हाँ भाई हमारा तो यही प्रोस्पेक्टस है तो बेटा सिंपल सी बात उसी को प्रोस्पेक्टस माना जाएगा द सिंपल डेफिनेशन तो क्या बोला आओ लिखते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखो लिखो प्रोस्पेक्टस इंक्लूड या प्रोस्पेक्टस मींस लिखो एनी डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट एनी डॉक्यूमेंट कौन सा लिखो विच इज डिस्क्राइब्ड विच इज डिस्क्राइब और इश्यू जिसे डिस्क्राइब किया और इश्यू किया इशू एज ए प्रोस्पेक्टस मतलब सर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है आंसर इज यस बेटा किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कंपनी की साइड से प्रोस्पेक्ट के रूप में इश्यू किया जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मन में आएंगे सर हमने जो पढ़ा वो ये जाना कि प्रोस्पेक्टस में तो कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है बेटा है ना सर कहने का मतलब क्या है बेटा पार्ट है जनरली हमारे पास में एक नाम आएगा इस चैप्टर के अंदर नाम है बेटा एवरीज प्रोस्पेक्टस

किस प्रोस्पेक्ट में क्या क्या कौन कौन से प्रोस्पेक्ट हमें पढ़ने को मिलने वाले हैं तो हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट इंक्लूड्स क्या क्या आता है प्रोस्पेक्ट वाले पार्ट में तो सबसे पहले आता है कौन सा लिखो नंबर वन क्योंकि जब मैं लिखने वाला हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम है बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस नोट करो लिखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो किसे कहते हो शेल्फ नाम सुना शेल्फ सर तो सुना है कहा सुना है बुक शेल्फ सुनते ना भाई बुक्स रखे शेल्फ में है ना तो शेल बनी होती है अपने पास में ऊपर नीचे बुक रखी होती है तो प्रैक्टिकली वैसा ही एक प्रोस्पेक्टस होता है जनरली क्या होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आएगा बट फिर भी बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है शेल प्रोस्पेक्ट एग्जाम में इसके ऊपर फाइव टू सिक्स मार्क्स में क्वेश्चन आया था पता तुमको सिर्फ और सिर्फ शेल प्रोस्पेक्टस के ऊपर तो क्या होता है जान लो मैं बता रहा हूं नॉर्मली शेल्फ कैसी होती है इट विल बी लाइक दिस है ना होती है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैक बने होते हैं बने होते हैं बनी होती है तो नॉर्मली क्या होता है सोचो एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी है मान लो सुनना कंपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है तो मान लो वो कह रही है भैया मेरे को एक लाख शेयर इशू करने हैं कंपनी कह रही है मुझे एक लाख शेयर इशू करने हैं बट कंपनी चाहती है कि भैया मैं सिंगल टाइम में सारे शेयर इशू ना करूं सुन लो अगर सुन लिया समझ लो तो तो तुम्हारे प्रोविजिंग तुम्हें याद करवा रहा हूं इस टाइम पे कंपनी ने बोला भैया मुझे एक लाख शेयर इशू करने हैं बट बोली एक बार में नहीं करूंगी मैं तो पांच हिस्सों में एक बार में इशू नहीं करूंगी हिस्सों में इशू करूंगी लेकिन मैं बार बार प्रोस्पेक्टस के लफड़े में पढ़ने वाली नहीं हूं मुझे बार बार लेकिन प्रोस्पेक्टस के लफड़ों में नहीं पढ़ना जितनी बार इशू करूं उतनी बार प्रोस्पेक्टस लेके आऊ तो जनरली जब कंपनी को पहले से पता होता है ना कि वो कितनी सिक्योरिटी इशू करने वाली है और वो पार्ट में इशू करना चाहती है तो ऐसे केस के अंदर लॉ ने उसे पूरे साल भर एक साल के लिए टाइम पर लिमिटेशन है एक साल के लिए आप अपनी सिक्योरिटीज को डिवाइड कर सकते हो और उतनी बार इशू कर सकते हो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती

लेकिन आज के बाद ये आपकी लाइफ का हिस्से बनने वाले हैं यस yes, हिस्सा बनेंगे बार बार इनके वर्ड आपको अपनी रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनने को मिलेंगे इसके नाम तो नेक्स्ट इज रेड हेरिंग इसके नाम पढ़ेंगे रेड हेरिंग क्या होता है कैसे इश्यू होता है कौन सा प्रोसीजर है तो फर्स्ट पे इंपोर्टेंट है शेल्फ उसके बाद इंपोर्टेंट होता है रेड हेरिंग वाला पार्ट थर्ड एक और होता है लिखो जिसने मैंने शॉर्ट में नाम दिया अभी आपको बोला था ना मैंने कि नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट पे लिख के इंफॉर्मेशन दे दे बोलते हैं एवरिज एवरिज प्रोस्पेक्ट तो थर्ड लिखो कौन सा है

तो न्यूज पेपर में काफी बार हमें एडवर्टीजमेंट दिख जाती है कि ये कंपनी है खासकर अगर देखोगे ना अपने पास में बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स होता है बिजनेस स्टैंड की बात कर रहा हूं तो वहां पर आपको काफी बार इवन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आता है वहां पर काफी बार आपको किसी पेज के ऊपर अलग से दिख जाएगी हेडिंग अभी न्यूज पेपर नहीं तो दिखाता तो कैसे आती है वहां लिखा होता है भाई साहब कि कंपनी अपनी शेयर इश्यू करना चाहती है इतनी इतनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है तो मुझे बताओ वो न्यूज पेपर में आई हुई एडवर्टीजमेंट क्या उसे प्रोस्पेक्टस ट्रीट किया जाएगा ये नहीं किया जाएगा क्योंकि रीजन इज कंपनी उस एडवर्टीजमेंट की हेल्प से अपनी सिक्योरिटी इशू करने की बातें करी है। बताओ हा टलमी क्या उस एडवर्टीजमेंट को भी मैं प्रोस्पेक्टस मानूंगा या नहीं मानूंगा मानेंगे एग्जैक्टली exactly मानेंगे सर तो कहने का मतलब क्या वेरी गुड तो कहने का मतलब क्या निकल के आया तो लिखो इसके अंदर और क्या आएगा नंबर फोर लिखो लिखो एनी नोटिस नोट कर लो एनी नोटिस एनी सर्कुलर ये वर्ड है ना बच्चे बोलते हम पढ़ लेते हैं याद रखो नोटिस सर्कुलर का मतलब सर्कुलेट किया गया अगर कोई पार्ट था जिसको सबके पास घर तक पहुंचा दिया गया सर्कुलेशन बोलते हैं उसको को सर्कुलर बोलते हैं अगर किसी भी डॉक्यूमेंट आप सर्कुलेट कर रहे हो सब तक पहुंचा रहे हो उसे बोलते हैं सर्कुलर बोलते हैं तो नोटिस हुआ सर्कुलर हुआ या कोई हुई एडवर्टीजमेंट कोई एडवर्टीजमेंट है ठीक है या फिर कोई भी वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बट परपज क्या है पर्पज ऑफ विच इसका पर्पज क्या लिख लो द दर्पज रट्टा क्यों मार रहे हैं प्रैक्टिकल क्या पर्पज है purpose यही है भैया कि सिक्योरिटी इशू करनी है पब्लिक ऑफर करने के लिए तो क्या बोला द पर्पज ऑफ ऑफ विच इज इनवाइटिंग क्या आप चाहते हो इनवाइट करना इज इनवाइटिंग पब्लिक इज इनवाइटिंग पब्लिक ऑफर आप पब्लिक ऑफर को इनवाइट करना चाहते हो ताकि सिक्योरिटी इशू कर सको तो दैट नोटिस दैट एडवर्टीजमेंट दैट सर्कुलर विल आल्सो बी ऑल्सो एज़

बेटा, चले, तो यहां तो तक की बात हमने पहले भी कर ली थी, आज इस पार्ट को पूरा लिखवा दिया मैंने कि क्या, क्या क्या मीनिंग है अब हमारे पास में मान लो कि चैप्टर चालू हो चुका है अब हमारा चैप्टर चालू हो चुका है क्योंकि तो मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात की है अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन चलेगा और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो बहुत शानदार होने वाले हैं से खास कर दिख रहा है दिखाता हूं एक ऐसा प्रोविजन तुम्हें आज ही बता रहा हूं आज ही बता रहा हूं अभी बता रहा हूं गाइज ये वाला सेक्शन सेक्शन नंबर इन दिस चैप्टर और इन होलबस और ना सिर्फ इंपोर्टेंट और सेक्शन इंपोर्टेंट समझते क्या होता है एग्जाम के पॉइंट से तो है ही इंपोर्टेंट प्लस में रियल लाइफ में भी वो चल रहा है ट्रेंडिंग पॉइंट में चल रहा है जो ट्रेंड में चल रहा है ना जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर दैट इज वो सेक्शन की बात कर रहा होता हूं मैं क्योंकि तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन फ्रेम फ्रेम होते हैं ना उसी होता है हमारे पास में याद करो ना जब आपकी वन पर्सन कंपनी ओपीसी ट्रेंडिंग में चल रही थी तो बैक टू बैक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के अंदर ओपीसी कॉमन रहा करता रहा। फिर मैम फिर आया सेक्शन एट कंपनीज के बाद तो वो भी ट्रेंडिंग हो गया तो कहने का मतलब क्या है जो प्रैक्टिकली चल रहा होता है उसके बारे में आप उसको एग्जाम में क्वेश्चन आने चांस ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर। तो सेम लाइक पे सेक्शन इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। आप जानोगे, तो कि आपने आज तक एक वर्ड सुना, सुना।, सुना होगा कि पब्लिक कंपनी ही सिक्योरिटी इश्यू कर सकती हाँ है ना, टेल बताओ। से आज तक यही पढ़ते आए हैं और यही बताया गया कि पब्लिक कंपनी ही सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर बॉन्ड इशू कर सकती है है ना बट आप जानोगे आप रियल में किसी पब्लिक कंपनी ही नहीं प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है ये आप जानोगे कि प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू करने का राइट रखती है सिक्योरिटी इशू कर सकती है गाइस वो कैसे कर सकती है कैसे फंड्स आएंगे वो सारी चीजें इन रियल पता होना चाहिए क्योंकि नॉट ओनली टॉपिक रियलिटी के अंदर आपके क्लाइंट ने पूछा कि भाई मेरे को ना मेरे पास में है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पैसा मिले सिक्योरिटी से तो कैसे करेगी तो आपके पास जो आप पढ़ रहे हो ना वही रियल होता है आप ऐसे सिक्योरिटी कर सकते हो और ये आने वाले वक्त के अंदर जब अपनी इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपका हिस्सा बनेगी पता आपको? जनरली वहां पर रियल फेज में आपसी बातें काम में आती है कि यार कैसे होता है तो आप बता पाओगे यार ऐसे से होता है जो आप पढ़ रहे हो वही रियल है ध्यान रखना ओके आगे आते हैं तो स्टार्ट करते हैं अब हेडिंग 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 नेक्स्ट सेक्शन नंबर की बना रहा मैं और यहीं से कहानी चालू हो रही है हमारी आगे वाली तो लिखा बेटा हेडिंग लिखो पब्लिक ऑफ फर्स्ट लिखो पब्लिक ऑफ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हेडिंग बनाओ पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट

कि सेक्शन को याद करना मैंडेटरी नहीं होता भाई सिंपल सी बात एग्जाम में सेक्शन सही है आंसर करता नंबर तो नहीं मिलना और एग्जाम में आपका सेक्शन गलत है और आंसर ठीक है तब भी नंबर कट जाएगा पूरा पूरा तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहा बेटा नो रिक्वायरमेंट अगर कंफर्म नहीं हो सेक्शन को लेके तो अवॉइड टू राइट द सेक्शंस सेम लाइन में यहां इंटर में ही बोलता हूं लेकिन फिर सेक्शन क्यों लिखवाता हूं याद करने के लिए क्यों बोलता हूं क्योंकि मैंने बोला ना बेटा जनरली अगर एक बात बताओ तुम बताना मुझे मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरूंगा जब मेरे से कोई बातें कर रहा होगा और मैं बोलूँ कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में मैं जानता हूँ आपने मीनिंग बोला प्राइवेट प्लेसमेंट मीन नॉन पब्लिक ऑफर जो ये फैमिली फ्रेंड्स करते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं पाइप सोडा ये बताना इज ओके बट टेल मी जब वेर इट कम्स टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल रियल लाइफ स्टोरीज जब क्लाइंट डीलिंग्स होती है तो वहां पर आपके सेक्शन के बोलने में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो दिस विल बी हेल्पफुल जब आपकी रियल लाइफ में आपने यहां का पढ़ना नहीं है अपनी आगे तक पार्ट काम आए तो आई एम सेइंग सेक्शन नंबर 42 डिफाइंड प्राइवेट प्लेसमेंट तो अगला बोलता है यार इसको नॉलेज है समझ में क्या बोल रहा हूं तो so, ये इसलिए होता है बट सेम पैटर्न इंटर वाले पार्ट में भी याद रखना सेक्शन जहां पर इंपॉर्टेंट याद रखने, है, याद रखने आप को चले आओ तो लिखो 423 offer, 42 इसकी बार हम में करेंगे बात करेंगे इसकी तो लिखो बेटा जवाब दो मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर क्या लगता है पहले सोचो फिर लिखते हैं फिर आप पहले बात कर लेंगे

यहां पर दो केस पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी कब कर पाती है कैसे कर पाएगी प्राइवेट कंपनी कैसे कर पाएगी तो सेक्शन ट्वेंटी थ्री में दो बातें बातेंगे आईपीओ एफ पीओ एस क्या होता है बात करते हैं। तो वही लिखना नोट करो तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं पब्लिक ऑफर इसकी करेंगे लिखो सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री डिफाइन करता लिखो इटमीन इसका मतलब क्या इटमीन्स क्या

हमने सुना था पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है जानते हैं ना तो पहला वर्ड कैसे कैसे कर सकती है मुद्दा ये है आओ तो लिखते हैं पहला वर्ड तो इसका मीनिंग तो क्या हुआ भाई सिक्योरिटी करना पब्लिक को इसको पब्लिक ऑफर ठीक है भाई साहब कैसे करते हैं लिखो नंबर वन फर्स्ट लिखो ए पब्लिक कंपनी नोट करो इसमें लिखो ए पब्लिक कंपनी मैं लिख रहा हूं स्पेशली पब्लिक कंपनी के लिए ए पब्लिक कंपनी लिखो कैन इश्यू सिक्योरिटीज कैन इश्यू सिक्योरिटीज कैसे कैसे कर सकती है लिखो कौन कौन सा मोड है फर्स्ट लिखो बेटा नंबर वन बाई वे ऑफ सबसे ज़्यादा मोड कौन सा है बताओ अभी पढ़ गए हो सबसे पहला ऑप्शन पब्लिक कंपनी के पास क्या होता है बताओ सोचो सबसे पहला मोड पब्लिक कंपनी के पास क्या होता है सिक्योरिटी इश्यू करने के लिए सोचो क्या होता है प्रोस्पेक्टस कौन सा प्रोस्पेक्टस तो क्या बोला बाई वे ऑफ इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस बाई वे ऑफ इश्यूइंग भैया प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है हमें बचपन से जानते आए हैं तो इसके अंदर जो सेक्शन चलने वाले हैं वो चलेंगे करीबन सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टू सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टू सेक्शन फोर्टी वन तक सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस की बातें होंगे हमारे पास वेरी गुड बेटा सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टू सेक्शन फोर्टी वन तक सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस की बातें करेंगे नंबर वन नंबर टू दूसरा कौन सा मोड है बताओ क्या पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट जैसी चीजों को यूज करती है सोचो क्या पब्लिक भी पैसा लेने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट जैसी चीजों को यूज करती है क्या लगता है करती है. करती है है लिख लो यस नंबर टू रियल वाला फेस सुन रहे हो आप तो दूसरा वर्ड है बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट यूज करती है बेटा जब उसे फंड चाहिए होता है होता है ना भाई सिंपल सी बात

लिखो, दूसरा ओर थर्ड मोबाइल कौन सा बाय वे ऑफ देखो राइट इशू एंड बोनस इश्यू राइट इशू और बोनस इशू भी आपके इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे आपको बाय राइट इशू और बोनस इशू इसके थ्रू भी पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इश्यू कर पाती है तो तीन तरीके हैं भूलना मत याद कर लो तीन तरीके हैं पब्लिक कंपनी के पास सिक्योरिटी इशू करने के लिए पहला है प्रोस्पेक्टिस

नोट बना के लिखो नोट में ताकि क्लैरिटी रहे हमेशा हमारे पास में कि किसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट तो नोट करो बेटे लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट सर क्योंकि एक्चुअली अगर बताऊं बेटा तो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डेफिनेशन को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया बता आपके मॉड्यूल में प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डेफिनेशन को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया इसलिए मैं आई आम गिविंग यू द राइट डेफिनेशन ऑफ दिस ताकि, ताकि ता क्लैरिटी मिलती रहे तो लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में लिखो किसको बोलते हैं बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट इज ए नॉन पब्लिक ऑफर पब्लिक ऑफर नहीं है कौन सा है लिखो इज ए नॉन पब्लिक ऑफर नॉन पब्लिक ऑफर ये पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे आप इज ए नॉन पब्लिक ऑफर तो कौन करता है लिखो मेड बाय ऑफर मेड बाय ये पैसा फिर आया कहां, -कहां से तो लिखो नंबर वन कौन सा पहला मेड बाय फैमिली और फ्रेंड्स होता है ना फैमिली से आया या फ्रेंड से आया दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसा आता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का हिस्सा बनता है पहला दूसरा लिखो दूसरे का नाम पहली बार सुन रहे हैं आप लोग लिखो नंबर 2 लिखो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर क्या बोला मैंने एक्रेडिटेड इन्वेस्टर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स नंबर 2 सर क्या होता बताऊंगा लिख तो लो फर्स्ट है एक्रेडिटेड इन्वेस्टर दूसरा तीसरा लिखो थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं बता दो बता, मैं पहला, पहला पता है बता रहा हूं बेटा तो फर्स्ट क्या लिखा मैंने फैमिली फ्रेंड्स सेकंड लिखा ए डबल सी आर ई डी आई टी डीड इन्वेस्टर्स थर्ड लिखा मैंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये तीन वो एरियाज हैं जहां से जब पैसा आएगा तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा जहां से तो पैसा आएगा तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा तो आप समझते हैं क्या क्या है तो पहला वर्ड क्या बोला मैंने भैया प्राइवेट प्लेसमेंट एक नॉन पब्लिक ऑफर होता है मतलब पब्लिक ऑफर नहीं है तो दूसरा वर्ड क्या लिखा मैंने फैमिली फ्रेंड से पैसा आया तो इसका पार्ट है नंबर टू इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर किसको बोलते हैं बेटा समझना धन से इंडिविजुअल बिजनेसिस स्मॉल बिजनेसिस शॉप वाले शोरूम वाले होते हैं ना तो अगर छोटे छोटे बिजनेसिस कंपनी को पैसा दे रहे हैं सुना क्या बोल रहा हूं छोटे छोटे बिजनेस या इंडिविजुअल्स अगर डायरेक्टली कंपनी को फंड्स दे रहे हैं तो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी टर्म्ड एज एक्टेड इन्वेस्टर्स आई कैन यूज दी वर्ड इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसिस आई कैन यूज दी वर्ड वर्ड लिख दू पे क्या लिखू वट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिड इन्वेस्टर्स मीन कौन कौन से आते हैं कौन से

पता है किसी को बताओ सोचो वो कौन कौन है आपके जुटिशन इन्वेस्टर का पार्ट एग्जांपल तो दो नाम लिख रहा हूं लिखो नंबर वन लिखते हैं फर्स्ट लिखो बेटा पाइप है पाइप पी आई ई -E. पाइप पाइप का मीनिंग लिख लो क्या होता है इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर लिखो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जब फुल फॉर्म है इक्विटी in बेटा काफी बार बड़ी बड़ी कंपनी जो कंपनीज होती ना वो भी दूसरी को पैसा देती हैं। हैं। हैं पता तुमको? भी दूसरी में करती पाइप बोलते उसको। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी पाइप दूसरा सोडा, सोडा नहीं सेकंड <laughs> कौन सा एग्जांपल लिख रहा नंबर टू इज सेडा क्या होता लिख लो सेडा इज कॉल्ड स्टैंड बाय एस फोर स्टैंड बाय ई फोर स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट भर दिया मैंने ना पूरा पूरा बस समझ लो पॉइंट आंसर तो कुछ नाम बोले मैंने पाइप एंड सेडा सेडा इसको स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट स्टैंड बाय इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट पैसा डिवाइड कर रहे हैं पैसा बांट रहे हैं भैया कंपनी से आपस में तो बोलते भैया हमें पैसा दे दो थोड़ा सा निकाल दो तो दैट इज सेडा ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको नॉर्मली हिंड के एग्जाम्पल बताया कि पाइप एंड सेडा द मोर मोस्ट फेमस सबसे ज्यादा फेमस यही चलते हैं हमारे पास में तो अगर मैं पूरा रिकॉर्ड करूं जो मैंने अभी लिखा है जितने पार्ट के ऊपर तो सुनते रहो क्या क्या लिखा है मैंने तो पहला वर्ड मैंने स्टार्ट किया बेटा सुनना रिवाइज करवा रहा हूं क्या कुछ लिख दिया मैंने इसके ऊपर ठीक है वो ना सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारा तो पहला मैंने बोला भाई पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट पहले सुन लो फिर नोट करना इस पार्ट को तो पहला मैंने बोला पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट दो हिस्से पढ़ रहे हैं तो इसकी बात हम भी नहीं कर रहे डेल के अंदर इसके बाद नीचे मैंने लिख दिए तो पब्लिक ऑफर का मतलब क्या क्या होता है भैया सिंपल सी बात अगर सिक्योरिटी इशू की जा रही है पब्लिक को पब्लिक को सिक्योरिटी इशू कर रहे हो ना उसे क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज देखो समझने के लिए बेस्ट तरीका पता क्या होता है सिंपल लैंग्वेज बचपन से आज तक हमें हर बात सीधी समझ में आती है टेढ़ी तो आती नहीं है तो समझने का बैठा जिंदगी में वही चलेगा ना लाइफ में हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या फायदा भाई समझ इजीली लो और पढ़ लो लीगल लैंग्वेज में तो पहला क्या बोला मैंने पब्लिक ऑफर मतलब भाई पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करना इसको पब्लिक ऑफर नंबर वन नंबर टू पब्लिक कंपनीज सिक्योरिटी इशू कर पाती है कैसे कर पाती है भाई प्रोस्पेक्टस इशू करके दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट से तीसरा राइट इशू बोनस इशू करके तीन चीजें यहां से आती है उसके बाद में यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है तो हमने बोला भैया इट इज ए नॉन पब्लिक ऑफर पहला वर्ड ही क्या है इट इज ए नॉन पब्लिक ऑफर कौन सा जो कौन कर रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स कर रहे हैं दोस्त लोग रिश्तेदार लोग कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल बिजनेसिस और स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर बोलते हैं नंबर टू नंबर थ्री इंडिव्यूअल इन्वेस्टर कौन से होते हैं भाई साहब एग्जाम्पल कौन सा सर पाइप एंड सेटा जैसे एग्जाम्पल मान लो अलग अलग ना अलग अलग पार्ट बने हुए हैं कुछ कंपनी के ग्रुप को बोलते हैं भाई इतनी कंपनी इन्वेस्ट करती रहती है तो नाम दे दिया पाइप एंड सेडा पाइप मतलब भाई अगर प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इक्विटी में पैसा डालती है तो दैट इज कॉल क्या बोलते हैं प्राइवेट क्या बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इक्विटी

चलो, चलो 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 आगे बढ़ेंगे डन 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 चलें अब ये बात तो हो गई भाई पब्लिक कंपनी की अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूं तो सोचना मैं पूछ रहा हूं यहीं से ठीक है जब भी कल देखोगे याद रखने इस बार बात को अगर पब्लिक कंपनीज के पास में तीन ऑप्शन है सुना अगर पब्लिक कंपनी के पास में तीन ऑप्शन है कि वो भैया प्रोस्पेक्टस इशू करके प्राइवेट प्लेसमेंट से राइट इशू बोनस इशू से सिक्योरिटी इशू कर सकती है तो प्राइवेट कंपनी कैसे कर सकती है क्या प्राइवेट कंपनी के पास भी तीनों ऑप्शन है या कोई ऑप्शन हट जाएगा इसमें से टेल मी प्राइवेट कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू करना चाहे तो उसके पास में ये तीनों ऑप्शन रहेंगे या कोई एक ऑप्शन हट जाएगा बताओ सोचो और हटेगा तो कौन सा हटेगा सोच के देखो हटेगा तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा सोचो 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 अगर हटा तो कौन सा हटा और रहा तो कौन सा रहा क्या प्राइवेट कंपनीज प्रोस्पेक्ट इश्यू कर सकती है पब्लिक को नहीं कर सकती सर नहीं कर सकती तो वो हट जाएगा ना तो बच क्या गया ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू बोनस इशू बोलो क्लियर तो लिख लो नेक्स्ट पार्ट वही है इसी का अभी खत्म नहीं हुआ इस पार्ट चल रहा है हमारा तो नेक्स्ट में लिखो पब्लिक और पार्ट में लिखो लिखो ए ए पब्लिक प्राइवेट कंपनी नोट करो ए प्राइवेट कंपनी नोट करो ए प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है कैसे दो मोर है इसके पास फर्स्ट लिखो रट्टा क्यों मारना है बाई वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ये तो इसके पास सबसे सुनहरा मौका यही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट करके दूसरा और होता है प्रैक्टिकली ऐसा दूसरा दूसरा बाई वे ऑफ बाई वे ऑफ राइट इश्यू लोगों को बोले तुम्हारा राइट बनता है या उनको बोनस के रूप में तुम बोनस शेयर ले लो भैया हमसे या बोनस इश्यू ये दो मोड है प्राइवेट कंपनी के पास तीसरा मोड नहीं आता सिंपल पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते इन शॉर्ट कहने का मतलब डन 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 एग्जैक्टली डन है अच्छा तो यहां तक ये बात आपको अब आइडिया गया प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी कैसे पब्लिक ऑफर क्या प्राइवेट प्लेसमेंट क्या डन है अब मुझे बताओ पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है मैंने नाम बोला भी था तो लिखो बेटा पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है अभी खत्म नहीं पब्लिक ऑफर चल रहा है पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है तो लिखो पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स या इन इंक्लूड्स तीन आइटम लिखो बेटा फर्स्ट लिखो आईपीओ ये तो नाम सुना ना? ये तो बच्चे बच्चे को पता आज के दिन बेटा व्हाट इज आईपीओ Initial public offer. First is called it is initial P for public offer offer. So initial public offer. IPO is initial public offer. Number one. Number two. FPO. Number two is FPO. It is called further public offer. FPO is further public offer. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है भैया रट्टा नहीं मार रहे हम तो लोग पढ़ के समझ के पढ़ेंगे हमारे तो खून में समझना लिखा समझ के पढ़ेंगे जो तो तुम्हें कहीं ना रट्टा मार लेगा ना 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 मारना ही नहीं है बेशक लोग वैसा ही पढ़ना है लेकिन समझ तो सकते हैं चीजों को तो बिना समझे पढ़ा तो लो तो भाई भी हो जाएगा माइंड से फिर तो हमारे समझा क्या बोल रहा हूँ तो बताओ आईपीओ मतलब इनिशियल मतलब सबसे पहली पहली बार पहली पहली बार क्या सिक्योरिटी इश्यू की है है ना उसके बाद क्या क्या बोलते हैं भाई पहली पहली बार कोई कंपनी अगर सिक्योरिटी इश्यू करने आ रही है तो उसे बोलते हैं आईपीओ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकिन अगर पहली बार के बाद दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार कर रही उसे बोलते हैं एफपीओ ये बात तो पता है एग्जैक्टली सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम कर रही उसे बोलते हैं एफपीओ और एक वर्ड और है बेटा तो दो तो क्लियर हो गए आईपीओ और एफपीओ तीसरा क्या आता है ओ एफ एस बताओ क्या मतलब होता है इसका आईपीओ पता है एफपीओ पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ एफ एस एफ एस का, का होता है भैया पता भैया का होता है वो एफ एस देखो ऑफर फॉर सेल क्या बोलते है? o मतलब offer, F मतलब for, मतलब तो हैं ओ मतलब ऑफर एफ मतलब फोर एस मतलब सेल तुम छोटे बच्चे ऐसे पढ़ते हो ए फोर एपल बी फॉर सी फोर छोटा एप्पल डी फोर दूसरा एप्पल है याद है ओफर फोर सेल ओ एफ एस पर मेरा क्वेश्चन ही है बेटा ओ एफ एस करता कौन है कंपनी करती है टेल मी एफपीओ कंपनी करती है तो क्या ओ एफ एस भी हाँ हम ऐसे पढ़े थे yes, nice. बताओ मुझे तो ओ एफ एस करता कौन है तमन्ना टेल मी ऑफर फॉर सेल करेगा कौन भैया सेल में सेल 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 कौन लगाएगा सेल कंपनी सेल लगाती है कभी देखा तुमने कंपनी से लाई बैठी शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले डिचर डिवेंचर डिवेंचर बॉन्ड 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 ऐसा सुना कभी नहीं सुना नहीं सुना ना तो क्या मतलब ये ऑफर फॉर सेल कौन लगाएगा ये सेल कौन लगाएगा एजेंसी हो शेयर होल्डर्स अगर शेयर होल्डर अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं बहुत मार लिया रट्टा आप समझना शुरू कर दो लोगों को ध्यान रखना आपने एक वर्ड सीखा था सुन लो नायको सुनो 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 आपने एक वर्ड सुना था कि पब्लिक कंपनीज में शेयर को इजीली ट्रांसफर ट्रांसफर किया जा सकता है पढ़ा था ना द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन पब्लिक कंपनी इज पॉसिबल इज फ्री ट्रांसफरेबल आई कैन यूज द वर्ड बट इन प्राइवेट कंपनी नॉट फ्री ट्रांसफरेबल रेस्ट्रिक्टेड है वो भी पॉइंट आएगा हमारे पास यहां पे तो मुझे बात बताओ जब पब्लिक कंपनी के अंदर या कोई पर्सन अपनी शेयर होल्डर अपनी सिक्योरिटी को बेचना चाहता है तो कैसे बेचेगा है

प्रोस्पेक्टस मतलब वो भी करते हैं यस शेयर होल्डर भी तो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते हैं और ये बात कहीं पढ़ी नहीं मिलती बच्चों को तो यहां सीख लो अब आप. भाई आपने अभी भी पढ़ा था कोई टिपिकल है भाई एक डॉक्यूमेंट भी दिया नोटिस भी दिया एड भी निकाल दिया तो शेयर बिक गए आपके तो क्योंकि क्या है इसे डिस्क्राइब किया इश्यू किया गया प्रोस्पेक्टस के रूप में तो ये कहना मत सोचना कि अच्छा कंपनी कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है ना 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 शेयर होल्डर भी अपने प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है कर सकता है बेटे उसी को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल तो मीनिंग लिख लो इसका दो तो, मतलब लिखो ऑफर फॉर सेल में क्या है? लिखो इट रैफर टू अकाउंट सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है लिखो बाय शेयर होल्डर बाय शेयर होल्डर कैसे कैसे बायूंग प्रोस्पेक्टस बायूंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टसपेक्टस तो याद रखना बेटा ऑफर फॉर सेल इज जस्ट बाय द शेयर होल्डर नोट बाय द कंपनी तो यह खुल बात याद रहेगी भैया लेना भैया शेयर होल्डर घर के बाहर दुकान में बैठा शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो है ना लेकिन वैसे वाला बेच सकता है हालांकि इस पर रेस्ट्रिक्शन है जो आपके प्रोविजन में आएंगी

प्रोहिबिटेड सुनना लो में ना शब्दों गेम बेटा और सा, बहुत सारे साफ तौर पर मना कर दिया तुम करके कर देखो पनिशमेंट है उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी मतलब अगर को आपने ध्यान में रखा तो कर सकते हो तो वाई संबडी सिंग स ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल विच मीन कि शेयर कैन बी ट्रांसफरेबल बट देर आर सेवी है कहां लिखी हुई है कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी मिलती है तो अगर आपने उन रेस्ट्रिक्शन को ध्यान दिया तो आप कर सकते हो तो रेस्ट्रिक्शन जहां भी होती है सुन लो ध्यान से लॉ में जहां भी रेस्ट्रिक्शन होंगी उसका एक ऑप्शन तुम्हें अलग से मिलेगा कि ये नहीं तो ये कर लो काम बन जाएगा समझ रहे क्या बोल रहा हूं काम बन जाएगा

तो द बेस्ट वे कि जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं सारा पार्ट एक पूरे सीक्वेंस में लिखवाता हूँ और यही वजह है कि जब बच्चे एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर उनके पास उनको कॉन्फिडेंस रहता है जब भी तक आज इतने सालों में आई थिंक इट्स अबाउट फिफ्टीन ईयर्स मुझे पंद्रह साल हो गए पढ़ाते हुए उसके बाद मुझे आइडिया मिल चुका है कि कैसे पढ़ना होता है कैसे करना होता है, करना होता है कि इस पर नहीं पढ़ाना पढ़ाना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कैसी लाइन मिलेंगी कहाँ से डील करोगे कैसे समझोगे सब बातें आनी चाहिए हम लोगों को

तो वन के थ्री आएगा फोर यहाँ ऐसा नहीं होता भाई यहाँ हो सकता है वे का और का हो। समझ रहे हो? का अगर आप सेक्शन को कनेक्शन में बिल्टअप नहीं करते हैं याद नहीं करते तो आपके मन में हमेशा यह चलेगा यार लो मैंने पढ़ तो लिया मुझे समझ भी आया था बट वैन इट कम्स टू प्रिपरेशन मेरी तैयारी नहीं हो पाई मेरे पास में समझा क्या बोल रहा हूं प्रिपरेशन तभी होगी जब आपने उनके कनेक्टेड टॉपिक पढ़े होते हैं बेटा। तो आओ लिखते हैं नोट करो लिख कर लिखो, लिखो, लिखो तो प्रोविजंस कौन से वाले लिखो प्रोविजन फॉर सिक्योरिटीज प्रो कौन सी टू बी डील जिनकी डीलिंग कहां होगी स्टॉक एक्सचेंज है ना स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करने जा रहे हो है? तो जानना नहीं चाहोगे आज कि एक्चुअली जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करना चाहती है तो पहले उसे क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है बताओ ये बात तो अक्सर मैंने ना लोगों के वो सुन ली है, में 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 है। नितिन बेटा एक बात बता हमें ना हम अपनी कंपनी का आईपीओ निकालना चाहते हैं कंपनी हमारी फैमिली कंपनी है भाई ठीक है कंपनी नाम हर्बल प्राइवेट लिमिटेड सारी कंपनी है बोले बेटा अपना टर्नओवर है दो हजार करोड़ का हो गया क्या बोल नहीं होगा ठीक है अब हम सात सौ करोड़ रुपए अच्छा तो वॉट दे वॉन्ट हमें आईपीओ निकालना है कैसे बता तरीका क्या तरीका है ना बोला बोल क्या? क्या होता है क्या हो? अब तुम बताना क्या होता है ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा तो सेक्शन नंबर फोर्टी किसके बारे में बता रहा बेटा कि अगर पहली बार सिक्योरिटीज को आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा तो बताओ क्या सीधा जाऊं और स्टॉक एक्सचेंज में शेयर शुरू कर दूं? टेल मी क्या कोई भी कंपनी कि मुझे परमिशन की क्या जरूरत है मेरे पास पैसा है मेरे पास है, बैलेंस नो no. पहले परमिशन लेनी पड़ती है तो सेक्शन फोर्टी का पार्ट नंबर वन लिखो नंबर वन कौन कौन से प्रोविजन है एप्लीकेशन ये आज आधा करवाऊंगा आधा नेक्स्ट क्लास में होगा तो लिखा एप्लीकेशन फॉर परमिशन एप्लीकेशन फॉर परमिशन एप्लीकेशन फॉर परमिशन किसकी परमिशन एप्लीकेशन फॉर परमिशन तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसके लिए लिखो नंबर नीचे लिखो लिखो एवरी कंपनी एवरी कंपनी

अगर आप मैंने मैंने यहां पे पब्लिक ऑफर वर्ड लिखा क्या इसका मतलब आईपीओ एफ नहीं हुआ क्या है ना वही तो निकलेगा ना आईपीओ एफपीओ क्या कर है फर्स्ट टाइम आईपीओ तो एवरी कंपनी गोइंग टू मेक पब्लिक ऑफर क्या करना पड़ेगा लिखो शेल शेल अप्लाई उसे अप्लाई करना पड़ेगा शेल अप्लाई किसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा अप्लाई फॉर परमिशन अप्लाई फॉर परमिशन इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज जिन जिन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के अंदर आप एन एस सी में बी एस सी में कहा करना चाहते हो उन एक्सचेंज के अंदर आपको परमिशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंड देखो एंड शेल ऑप्टेन शेल ऑप्टेन और लेना पड़ेगा शेल ऑप्टेन दर्मिशन अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी में डील करो तो परमिशन लेनी पड़ेगी ऑप्टेन दर्मिशन किस लिए बेटा किसकी परमिशन है परमिशन किसकी टू टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंजेस इन डील्ड इन सच स्टॉक एक्सचेंज जिन जिन स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करना चाहते हो उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी तो पहला पार्ट आता है एप्लीकेशन लो भैया और किसकी परमिशन की तो पहली बात तो आपको मांगती है परमिशन बिना परमिशन के कोई काम करना अलाउड नहीं है बेटा समझेगा ना ही बोलो क्लियर बिना परमिशन के नहीं कर सकते कोई काम तो इसलिए प्रभु का नाम और में लगा दिया अपना जरूरी होता है भाई। लेने का अपनी स्टॉक को लिस्ट कराना चाहते हो नंबर क्लियर फर्स्ट क्लियर हो गया अच्छा अब आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर भाई परमिशन मिल गई तो परमिशन के बारे में बाद में क्या तो लोग कहते हैं परमिशन मिलने के बाद आपको वो तो जो परमिशन होती है ना उसको भी प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना होता है जब आप अपना प्रोस्पेक्टस बनाओगे ना उस प्रोस्पेक्टस में आपको परमिशन मिल गई वो भी लगेगा वो भी बताया जाएगा भाई इस स्टॉक तो एक्सचेंज से हमें परमिशन मिल चुकी है ये मेंशन करना होता है आओ आगे बढ़ते हैं नंबर टू पहला प्रोविजन हो गया नंबर वन नंबर बी टू क्या लिखो डिसक्लोज डिस्कलोज इन प्रोस्पेक्टस तो आपको प्रोस्पेक्टिस में नाम बताना पड़ेगा उन सारी स्टॉक एक्सचेंज का जहां जहां पे आप करना चाहते थे अपने शेयर को लिस्टेड परमिशन मिल चुकी है आपके पास तो लिखो लिखो द नेम ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज नेम बड़ा इजी है पहले परमिशन मांगी फिर डिस्क्लोज कर दिया आगे लिखो द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज

आगे आता हूं नेक्स्ट पे आता हूं तो सी पार्ट नोट करते हैं लिखो सी सी पार्ट में लिखते हैं ठीक है आगे आगे आते हैं हैं नोट करते डिस्क्लोजर की की बात बात हो हो गई हाँ, हो गई नेक्स्ट जाएगी सी में लिखो बड़ा ही सबसे ज्यादा प्यारा पॉइंट ये लगता है मेरे को ना बेटा एप्लीकेशन बनी पैसे की बात जहां पे आए और एक प्रोफेशनल को प्यार ना हो ही नहीं सकता बेटा है ना दुनिया में सबसे प्यारा क्या पैसा है सच्चाई है बेटा क्या बात करो नहीं सर माँ बाप वो तो है ना वो भी क्या? पैसा. तो पैसा कहां से आएगा पैसा कैसे क्या तो दो बातें हो गई परमिशन मिल गई मिल गई डिस्क्लोज कर दिया कर दिया अब क्या करोगे अब मुझे बताओ मैं पूछता हूं रिप्लाई करना ठीक है अगर जो आपने अप्लाई किया था जो आपने सिक्योरिटी इशू की थी पब्लिक ऑफर किया था वहां से आपके पास पैसा आ गया वहां से आपके पास पैसा आ गया एप्लीकेशन मनी आएगा ना पहले तो कौन सा आएगा बोला सौ रुपए पैसा इकट्ठा हो गया नो no. जहां पढ़ते हो ना भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कॉल फाइनल आएगा ना वेरी गुड कौन सा आएगा पहले आएगा एप्लीकेशन मनी तो जवाब दो बेटा उस एप्लीकेशन मनी को लेके कौन सा प्रोविजन फॉलो होगा और सुन लो अभी से जो अभी यहां लिखोगे ना वही इस एप्लीकेशन मनी का कॉमन प्रोविजन चलेगा आगे तक आगे भी आएगी इसकी बातें तो वहां भी यही मीनिंग याद रखते हैं जो तो अभी बोल रहा हूं आपको मैं तो सुनो ध्यान से क्या बोला एप्लीकेशन मनी को एक क्या प्रोविजन है फर्स्ट लिखो बेटा दो बात लिखवाऊंगा फिर हम वाइंड क्लास को लिखाऊंगा इसके बाद और लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में में तो एप्लीकेशन मनी क्या है नोट करो लिखो लिखो इफ ए कंपनी इफ ए कंपनी फर्स्ट प्रोविजन लिखो रिसीव इफ ए कंपनी रिसीव एनी अमाउंट एनी अमाउंट कौन सी अमाउंट दैट इज कॉल्ड लिखो ब्रैकेट में एप्लीकेशन मनी ए कंपनी रिसीव एनी अमाउंट दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी कैसे बेटा बाय सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक पब्लिक ने भैया सब्सक्राइब किया तो पैसा आया था तो क्या करना पड़ेगा लोग आता पहला प्रोविजन नंबर वन इसका पार्ट फर्स्ट वन क्या करना पड़ेगा लिखो सच मनी ये जो पैसा है ये लोगों का प्रोविजन ऑप्शन नहीं है क्या बोलो डायरेक्टर घर ले जाएंगे पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा नहीं सच मनी लिखो शेल बी कैप्ट रखा जाएगा इसको सच मनी शेल बी कैप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है वो भी कौन से बैंक में पर्सनल बैंक में नहीं लिखो इन स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्या बात कर रहे हो एस सी बी बोलते हैं स्किड्यूल बैंक स्किड्यूल कॉमर्शियल बैंक एग्जाम्पल इंडियन ओवरसीज बैंक देखते हो ना जो डीलिंग करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक है ना ये कौन से बैंक हैं से? तो ये पैसा रखा जाएगा स्किड्यूल कॉमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में पहला प्रोविजन ये होता है भाई साहब तो पहली बात है पैसा कहां रखना है ये बात

कल मैं बात करूंगा कहा अगर पैसे को आपने यूटिलाइज नहीं किया यूटिलाइज गलत तरीके से किया या कहा पहली बात कहा यूटिलाइज करोगे दूसरा टाइमली यूटिलाइज नहीं किया ये यह भी सुनना जो पैसा जिस काम के लिए लिया था ना बेटा वो भी अगर आपने टाइमली यूटिलाइज नहीं किया तो ये कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा यू हैव टू रिफंड दी अमाउंट यू हैव टू रिफंड दी अमाउंट देना पड़ेगा वापस और नहीं दिया तो कहलाया कॉन्ट्रावेंशन फिर सारे फंसोगे है ना समझे इसे लिख लो बेटा एग्जांपल के लिए एससीबी इसके एग्जांपल मेन एग्जांपल तो यही है इसका इंडियन ओवरसीज बैंक और भी देख लेना इंडियन ओवरसीज बैंक ओवरसीज बैंक ये ऐसी जो बैंक कैटेगरी होती है ना इसमें आती है एससीबी के पार्ट में बनती है टन 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 इंडियन ओवरसीज सिटी बैंकस हैं सारे चलते हैं इसके अंदर क्लियर है गाइस तो इसके आगे वाला पार्ट करेंगे हम कल आज हम इतना ही करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच यू टेक केयर गाना गाओ जाओ गाना कौन सा बाय बाय कहने का तरीका हो गया हमारा क्या करें अब तो फेमस हो गया हमारा तरीका ये वाला बच्चों ने वायरल कर दिया इस पैटर्न को कौन सा बाय बाय और टाटा सी यू अगेन कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन बाय टेक केयर बेटा बाय सी यू हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी एस सी एम संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों जाए एट द द रीजनेबल कॉस्ट अंडर ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके ग्रोथ आपके पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कंट्रोल्स बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करोल मिश्रा हेलो मै नाम राहुल मैं संतोष सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको